संजू बाबा मंदिरा, हमने सुना है कि आज के होटल में एक वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, आप उधर आ जाइए, वहां जाके बैठ जाइए, आ जाइए वीआईपी। अच्छा शॉर्ट फॉर्म बना है वीआईपी। थैंक यू, आ जाइए। हेलो जी, नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। देखो जी, जमाना चेंज हो रहा है, दुनिया में सारा कुछ बदल रहा है। पहले को किसी के घर आता था ना, आके पूछते भाई साहब कैसे हैं, मम्मी जी कैसे हैं, बच्चे ठीक हैं और सब खैरियत है। आजकल सबसे पहले घर में आज घुसते भाई साहब, ब्रेक पीने वाला चार्जर है, ब्रेक पीने वाला चार्जर बोला दिमाग खराब कर रखा है मंदिरा जी, ये टेलीफोन ने, मोबाइल फोन ने आजकल लोगों का, इतने मस्त इतने मगन हो गए किसी चीज़ की होश नहीं रहती। जैसे ही आपके घर में कोई आया, डोर बेल बजी, डोर खोला, वो बेचारा आपके फोन चलते चलते खाना वाना खा के फ्री हो गया। सॉरी सॉरी भाई साहब, मैं जरा फोन पे बिजी था। हाँ जी बताइए, कहाँ से आए, क्या काम है? नहीं सर, मैं तो पूछने आया था यहाँ वालिया साहब कहाँ रहते हैं। तो जमाना बदल गया जी, चीजों में चेंज आ गई है, क्या करें। इसके जैसे देखा, अपना मोबाइल पकड़ के खुद की फोटो खींच रहे होते हैं, 10-12 फोटो खींच के खुद ही। यार साइड पोज मेरा बहुत अच्छा आता है। जल्दी से फिर नेट पे अपलोड भी कर देते हैं, और अगर कोई अच्छी खूबसूरत लड़की अपलोड करे ना तो 45 सेकंड में 4500 कॉम्प्लीमेंट्स। वाओ, सुपर, नाइस क्लिक। और इसके जैसा फोटो अपलोड करके 45 दिन वेट करता रहता है। 45 दिन बाद भी खुद ही लिखता है, कमीनो कोई तो कमेंट डाल दो। ओ सॉरी यार, कमीने से याद आया, मेरा पप्पू ही नहीं आया अभी तक। पप्पू जी कहाँ मर गया बेटे? जे मालिक आ गए, तू आए। जी जी मेरा बच्चा जी, वाह वाह, बड़ी खुशी की बात है बेटे। साहब जी किधर, कहीं बिल्ली छोड़े जा रहे हैं? मैं बताऊंगा तुम्हें कहाँ जा रहा हूँ, मुझे जल्दी से बेटा खबर सुना दो आज की, मुझे जाना है बस। खबर तो अभी सुना देता हूँ सर मैं आपको। महाराजा भूपिंदर सिंह का डिनर सेट 18 करोड़ डॉलर में नीलाम। मैं मर जाऊं, 18 करोड़ डॉलर, 18 करोड़ डॉलर में? हाँ जी। काश उस डिनर सेट से मेरे दादाजी एक कटोरी उठा के ले आते, आज तक मेरा कैरियर सेट हो जाता। चलो ऐसे महंगे से मुझे याद आ रहा है बेटे, मेरी भी टिकट बड़ी महंगी है, कहीं ऐसे ना मेरा चांस मिस हो जाए। क्या कह रहे हैं आप? मैं बस खुशखबरी बताने वाला हूँ बेटा। क्या जी? बिजनेस मीटिंग है, अपना होटल बड़ा हो जाएगा। अच्छा? मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं? हाँ। तो ऑस्ट्रेलिया वाले कहाँ जाएंगे? मतलब मालिक की जगह तो दूसरों की फिक्र होती है बेटे। नहीं, नहीं। चलो बेटा मेरी बात सुनो, आज बड़े खास मेहमान आ रहे हैं, बड़ी दूर से, उनका ध्यान रखना। अमेरिका से आ रहे हैं? नहीं बेटा, अमेरिका से नहीं आ रहे, उससे भी दूर से आ रहे हैं, इंग्लैंड से। वो आ रहे हैं 15वीं सदी से आ रहे हैं बेटा, आज अकबर आएंगे साक्षात यहाँ। अकबर और सलीम और वो? हाँ जी, तो उनको महाराजा भूपिंदर सिंह के 18 करोड़ डॉलर के डिनर सेट में डिनर करवाना, ठीक है जी? बेटा ध्यान रखना, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, वापसी पे मिलता हूँ। ओके, बाय बाय। साहब चला गया बाहर ऑस्ट्रेलिया, अकेला पूरा होटल चलाऊंगा, पूरे पैसे खाऊंगा, कोई पूछने वाला नहीं, अकेला ही मजे करूंगा। ओए 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 ओए, कौन है? आप मुझे पहचाने? कौन है आप? मैं, अबे गेट छोड़कर कहां आ गया, गेट पे खड़ा हो चल के। अरे मैं एक बादशाह का मैनेजर। बादशाह का मैनेजर? जी जी। अच्छा, मैं लवली इन होटल का मैनेजर। अच्छा आप भी मैनेजर हैं? हाँ। तो मैं आपको एक बात बताने के लिए आया हूँ। क्या? हाँ, यहाँ पर एक पुराने जमाने की औरत घूम रही है। कितने पुराने जमाने की जाड़े लगे हुए उसको? कितनी पुरानी जमाने? कितनी? नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, वो बड़ी खतरनाक औरत है। सन्नी लियोन तो नहीं आ रही? जनाब सन्नी लियोन से भी ज्यादा खतरनाक औरत है। अच्छा जी, मुगलिया दौर की औरत है। मुगलिया दौर की? तो यहाँ पर क्या कुछ शुगलिया करने आ रही है? आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। हाँ। बड़ी खतरनाक औरत है। अच्छा। अगर आपने उसको अगर आपने उसको होटल में रूम दिया ना, हाँ भाई एक मिनट, हाँ? तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको होटल में रूम नहीं दीजिएगा। तो वजह क्यों ना दूं? अरे आप समझ नहीं रहे ना भाई, एक मिनट। ओए ओए ओए,
ये कौन कर गया? ये कौन कर गया? कौन है आप? इस नाचीज को अनारकली कहते हैं। आप नाचीज नहीं, बहुत ज्यादा चीज है। मैं अनारकली अच्छा? पुराने जमाने से आई हूँ। पुराने जमाने से तुम डायनासोर के साथ क्रिकेट खेलती रही? हमने तो अनारकली सोची बड़ी क्यूट, बड़ी नाजुक सी, बड़ी शर्मीली सी। मैं वो ही अनारकली हूँ, खूबसूरत सी, नाजुक सी। अच्छा? हाँ, बस मैंने जिम शुरू कर दिया है। और शोले शोले बन गए हैं। मंदरा जी, अब जिन भी जिम ज्वाइन करेंगे। तुम मंदरा जी को क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें कह रहा हूँ। अच्छा। इधर क्या लेने आई हूँ? मैं अपने सलीम को ढूंढने आई हूँ। सलीम ढूंढने आई हूँ? हाँ। तो अपना ये तंबू झाड़ो, यहीं से गिरेगा कहीं। तो ऐसे कर दो। अच्छी शायद ही तो गिर जाए। वो सलीम है, कीड़ा नहीं है। तो ढूंढ लो इधर, इधर तो सलीम नहीं आया कोई। मेरा सलीम यही कहीं है। सलीम, सलीम, सलीम। उछलो नहीं, तुम इधर उछलती हो, उधर मंदरा जी कुर्सी सी ऐसी ऐसी होती है। खामोश हो जाओ, बगैर बताए दुनिया में आने वाले। कहाँ रह गए सलीम? बेटा बहुत जरूरी बात कर रहे हैं, चलो इधर। अच्छा, ये माइक नीचे कर ले। कौन हो भाई तू? कौन है तू? शहजादा? शहजादा शह तक तो ठीक है, ज्यादा तो ये है। देखा मंदरा जी, किसी को यकीन नहीं आ रहा कि ये शहजादा सलीम है। कैसे यकीन आए? शुरू नहीं होता, खत्म हो जाता है। वैसे सलीम भाई इतनी क्या जल्दी थी दुनिया में आने की? क्या है कि उस टाइम बारिश ही बहुत थी, बारिश में ऐसे ही बच्चे पैदा होते हैं। ऐसे बच्चे पैदा, पता क्या, ऐसे बच्चे ना अस्पताल में पैदा होते हैं, ना खाला के घर में। ऐसे बच्चे वहां पैदा होते हैं जहां लिखा हुआ होता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। सलीम। यस। ये औरत आपको कहां से मिली? वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, देयर वाज ए थर्स्टी क्रो। अगर इस गुस्ताखी की खबर हमारे पापा को लग गई, अच्छा, तो तुम्हारा सर कलम करवा देंगे। तुम्हारे भी पापा हैं? नहीं, वो मैं पिज्जे के डब्बे में निकला हूं। वाकई? आप यहाँ पर क्या लेने आए हैं शहजादा सलीम? हम यहाँ पे कमरा लेने आए हैं। ओके, कमरा किस लिए चाहिए? दरअसल हमारी प्रेम कहानी चल रही है। अच्छा। तो मेरा बापू बीच में बांजी मार देता है। यहाँ छुप के थोड़ी कुटर कुटर। इतना कष्ट करने की क्या जरूरत थी, यहाँ छुपने आए हो? इसी के पीछे छुप जाते। और जितनी बड़ी तुम्हारे पास अनारकली है, इसके पीछे खड़े होकर तो बंदा ड्रेस चेंज कर सकता है। मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है। जानू? हाँ, मुझे भूख लग रही है। क्या खाना है? मैं सैंडविच खाऊंगी। हमारी अनारकली के लिए सैंडविच की व्यवस्था की जाए। सैंडविच से इसका कुछ नहीं बनेगा, इसको पंप पर लेके जाओ, 20 पाउंड हवा भराओ, हफ्ता सुकून रहेगा। एक काम करो। अच्छा, सैंडविच की जगह पिज्जा मंगाओ, पिज्जा। ना, 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 ना। हमारी अनारकली के लिए पिज्जे के भोजन की व्यवस्था की जाए। ओ पिज्जा, एक पिज्जे से इसका क्या बनेगा? मंदरा जी, 12 इंच का लार्ज साइज पिज्जा इसके मुंह में अंदर ऐसे जाता है जैसे डीवीडी अंदर नहीं जाती। खामोश। क्या हमारी अनारकली ऐसे पिज्जे का भोजन करती है? मैं तो ऐसी बात कर रहा हूँ, ये तो टायर के ऊपर बटर जैम लगाकर खा जाती है। वो रेसलर नहीं है अंडरटेकर, ये उसके बाद आई है लंग टेकर। गुस्ताख, तुम्हें औरत की इज्जत करना नहीं आता? इसने आपको औरत बताया?
यस जी, औरत नहीं, औरत से 40 किलोमीटर दूर फिर रही है अभी। ये आप किसकी बात कर रहे हैं? तुम्हारी। मेरी? हाँ तो ठीक कह रहे हैं। जो है सो है। इस तरह की औरत ताजमहल देखने जाए ना तो बाहर ही रोक लेते कि बीबी बाहर से देख लो, अंदर नहीं जाने देंगे। जू देखने जाए ना तो गेट वाले अंदर नहीं जाने देते कि बीबी इधर ही रुको, सारे जानवर आपको बाहर ही देखने आ रहे हैं। ताजमहल तो हमारा है गुस्ताख, ये जू की बात लीक कैसे होगी? मीडिया ने बताई है। हाँ मदिरा जी, सच्ची जू में गए थे। हाँ हाथी को देख के अनारकली मचल गई, कहती इस पे बैठना है। हाँ। हाथी इसको देख के डर गया, कहता वाओ 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 मैं तो कुत्ता हूँ। इधर आओ वेल्डिंग वाले शहजादे, माँ की बालियां पहनकर किस बात पर इतरा रहे हो? अब्बू का तकिया पहनिया है, वो आप कैसे सर रख के सो रहे होंगे? मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे भग्गी में ले चलो, चलो चलो। भग्गी पर बिठा ले, लेकिन घोड़ों को पता ना चले। तुम घोड़ों की बातें बंद करो। हाँ। हमारी ननारकली के लिए सैन कक्ष का इंतजाम करो। ये कौन है? सैन कक्ष सजाओ, जितनी असरफियां लो और दफा हो जाओ। मैं करेंसी ही लूंगा। कमरा चाहिए? पहले अपनी डिटेल लिखाओ, कमरा मिल जाएगा आपको। चलो अपना कोई नाम है तो बताओ। शहजादा सलीम। मैं सलीम भी ब्रैकेट में लिख रहा हूं। जा जो उतना ही कर रहा। अपने बड़े भाई का नाम बताओ। अनारकली। उम्र कितनी अनारकली? 18 लिख लो। उम्र 1800 kg। बस डिटेल पूरी हो गई। मैं आपका कमरा सेट करता हूँ। हाँ। आप अपना सामान मंगवाइए। हाँ। और शिफ्ट हो जाइए। बस ये एक बेकार सा ही सामान है साथ। इधर आओ पेंसिल से बने हुए शहजादे। ये है मंदरा जी मेरा शहजादा, ये है चाइना का शहजादा। अपने शहजादे के साथ घूमती हूँ तो ऐसा लगता है मैं शहजादा सलीम के साथ नहीं बल्कि उसकी एक्सरे रिपोर्ट लेके घूम रही हूँ। क्या हो गया स्वीटू? ये मेरे बराबर में खड़ा होता तो ऐसा लगता बर्गर के बराबर में आलू के चिप्स पड़े। मेरे बराबर में खड़ा होता तो ऐसा लगता डेढ़ बज गया। ओ जूस के खाली डब्बे। ये देखो देखो मंदरा जी, ये है। एक मिनट, आप अनारकली और सलीम है। ये जोड़ी इश्क की मिसाल है। क्या कर रहे हैं आप लड़ क्यों रहे हैं? कैसी जोड़ी की बात कर रहे हो आप? ये जोड़ी यार, आप इसकी मिसाल की बात कर रहे हो? माँ कसम पास में दोनों बैठे होते ना, दूसरा आदमी कहता ये साउंड के बक्से के पास माइक रख के कौन चला गया। जोड़ी कहीं खड़े होते हैं तो ऐसे कहता ये फायर ब्रिगेड के पास ये छोटा सिलेंडर कौन छोड़ के चला गया। इसको जोड़ी कह रहे हो? मैं कोशिश करता हूँ इसके साथ प्यार करने की, इसको मोबाइल रिचार्ज करवा के देता हूँ, इसको मैं मेकअप का सामान लेके देता हूँ, और तो और इस अनारकली को शेव करने के लिए ब्लेड तक लेके देता हूँ। जोड़ी की आप बात कर रहे हैं? ऐसी जोड़ी साथ में कुदरती खड़े हो जाओ तो कहता ये कूलर के पास गिलास कौन रखे चला गया है। बात सुनो जी, शहजादों की मिस कॉल। वो गैर आदमी मेरी इतनी बेइज्जती करके चला गया। कौन? तुमने उसे कुछ कहा ही नहीं। मैं क्या कहता डार्लिंग? उसे मारना चाहिए था, वो मेरी बेइज्जती कर रहा था। वो तेरी शक्ल से लगता है मैं उसके साथ जंग कर सकता हूँ। हाँ। तगड़ा मेरे मार लेता बकरा के। तो लड़ तो सकते थे। कैसे? ऐसे मारते उसको उठा के ऐसे पीछे लाते, उसके ऊपर चढ़ जाते, बाल पकड़ के ऐसे 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 करते। अबे ये तो स्क्रिप्ट में लिखा ही नहीं था। खबरदार, कोई जरूरी काम किया था। क्या कर रहे हो? कमरा दे रहा हूं ना मैं। तुम देखिए अनारकली टेंशन खोल रहा है। हम शहजादे लोग हैं, शहजादा नहीं। एंगल से अनारकली को देखना जरा अच्छा लगता है। खड़ा हो,
डर्टी पिक्चर के हीरो इतनी जल्दी पड़ गई तुम्हें शहजादे सलीम ओए बापू बापू शहजादे सलीम शहजादे सलीम ओए भाग अनारकली भाग बापू चंद्र जी मेरी गोद भर गई मैं भाग मंदरा जी कभी खाली जूस पिया आपने नहीं खाली जूस ही है